Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only Pintis, this channel is for loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes as well as business tips and commercial tips. दोस्तों आज जो है फील्ड से बाहर है, घर से बाहर है, आज बैठे हुए हैं फील्ड में. तो आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा वीडियो बताने वाला हूँ. वो वीडियो आज जो रहेगा कि आखिर क्या कारण है कि कॉमर्स के स्टूडेंट जैसे ही कॉमर्स पढ़ते हैं उसके बाद पैसा का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जान जाते हैं. व्हाट इज द रीजन एंड विच कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्स अबाउट हाउ टू यूज मनी. आज मैं इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से पैसा का यूज़ करते हैं लोग, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके कारण कमर्शियल स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि पैसा को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात लोग उसको कॉमन भाषा में बोलते हैं बहुत ही कंजूस होते हैं. तो इसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं. तो वीडियो के एंड तक बने हुए रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से फुटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है. चलते हैं दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. दोस्तों एक बिजनेस में एक कंसेप्ट है आपका, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है. उस कंसेप्ट का नाम आप लोग को पहले बताना चाहता हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा. व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा क्या होता है, पहले इसको सिंपल भाषा में समझते हैं. ये सिद्धांत बतलाता है दोस्तों कि बिजनेस अलग है और बिजनेस के मालिक अलग होते हैं. अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस से, अपना ही बिजनेस से किसी भी चीज़ का अगर यूज करते हैं या पैसा निकालते हैं तो उसे बिजनेस को हिसाब किताब देना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं नीतीश नाम का बिजनेसमैन है, इन्होंने आपका कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ किए. तो कपड़ा जो है ये क्या किए कि खुद इनके रिलेशन का कोई व्यक्ति आए तो मैंने क्या किया, उस कपड़ा को, जीन्स को मैंने अपना जो मेरे रिलेशन में आए उनको मैंने दे दिया. तो ये दिया गया चीज़ ये मत सोचिए कि मैंने गिफ्ट दिया, इसे भी डायरी में मेंटेनेंस करना पड़ेगा. ये सिद्धांत लिखा हुआ है, सिद्धांत कड़वा सच बोला गया है कि कोई भी आदमी हो दुनिया में बिजनेस करते समय उसका सारा आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा. अर्थात एक कॉमन भाषा में एक लैंग्वेज है, एक स्टेटमेंट है गांव में कि बिजनेस में धंधा में कोई माँ बाप नहीं, चाहे आप हो चाहे आपके पापा हो, मम्मी हो, रिलेशन में कोई भी व्यक्ति हो, रिलेटिव कोई भी व्यक्ति हो. तो अगर आप उस चीज़ को देखिएगा तो कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाइएगा, उसे भी हिसाब किताब करना पड़ेगा. तो ये सिद्धांत यही चीज़ बोलता है कि बिजनेस में कोई माँ बाप नहीं. इसी कारण क्या होता है कि इस सिद्धांत के कारण से एक ड्रॉइंग्स अकाउंट खोला जाता है दोस्तों. ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से बनता है, ये मालिक से संबंधित होता है कि मालिक ने कितना आपका गुड्स खुद के लिए यूज़ किए हैं. खुद का मतलब आपने खुद यूज़ किया या किसी को अपने ही रिलेटिव को दे दिए, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिससे ये पता चल पाता है कि कितना आपका खुद यूज़ हुआ है साल भर में. तो थोड़ा सा आप जान लेते हैं ड्रॉइंग्स क्या होता है, आहरण क्या होता है. तो आहरण का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने के ड्यूरिंग में आपने निजी प्रयोग करने के लिए, प्राइवेट यूज करने के लिए या तो गुड्स निकाले या तो मनी निकाले, तो वह निकाला गया चीज ड्रॉइंग्स कहलाता है. तो ये था गाइस आपका कंसेप्ट जिसके कारण हर कॉमर्शियल स्टूडेंट जो है पैसा का यूज करना जान जाते हैं. कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और किसी भी तरह का डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें कि क्या आपको डाउट है और अगला वीडियो किस चीज़ पे बनना चाहिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय दें. ठीक है गाइज, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना समय समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद.